हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली टर्म वन परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। वीरवार को नौवीं कक्षा का संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ग्यारहवीं कक्षा का फिजिक्स व हिंदी और बारहवीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का एग्जाम हुआ। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने धर्मशाला से ऑनलाइन निगरानी की तथा इस दौरान बारहवीं कक्षा के परीक्षार्थी को नकल करते हुए पकड़ा। बता दें कि डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी बोर्ड कार्यालय के कंट्रोल रूम से नज़र रखे हुए थे। इस दौरान उन्होंने जिला बिलासपुर के एक परीक्षा केंद्र में विद्यार्थी को नकल करते हुए पाया। उन्होंने संबंधित परीक्षा केंद्र प्रभारी से मोबाइल पर संपर्क किया तथा उक्त विद्यार्थी की स्टाफ द्वारा तलाशी ली गई तो उससे नकल संबंधी सामग्री प्राप्त हुई। परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा उक्त विद्यार्थी से आंसर शीट ले ली गई। इसके अलावा अन्य परीक्षा केंद्रों में भी विद्यार्थियों की तलाशी ली गई लेकिन उनसे नकल संबंधी कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई। बोर्ड अध्यक्ष जब कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों को चेक कर रहे थे तो कई परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी में नेटवर्क के चलते दिक्कत आ रही थी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा केंद्र के प्रभारी ये सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी ठीक तरह से कार्य करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के प्रभारियों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का बैकअप भी रखना होगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने यह भी कहा कि एक परीक्षा केंद्र में एक दिन में दो ही उड़न दस्ते जाएंगे। उड़न दस्तों के बार बार परीक्षा केंद्र में जाने से विद्यार्थियों को पेपर करने में दिक्कत आती है।